सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। फाइनली मैंने फ्री फायर मैक्स को अपडेट कर लिया, जैसे कि यार अभी आप लोग देख पा रहे होंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक फ्री फायर मैक्स को अपडेट नहीं किया है तो गाइस आप लोग कैसे अपडेट करना है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के आगे बताऊंगा। और गाइस साथ साथ अगर आप लोग फ्री फायर मैक्स को अपडेट करके ओपन करते हो तो आप लोग को यहाँ पर द सर्वर विल बी रेडी सुन का या फिर सॉरी सर्वर इज नॉट ऑनलाइन येट का प्रॉब्लम देखने को मिलता होगा। तो गाइस इसे आप लोग कैसे ठीक कर सकते हो वो मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइस सर वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आप सबके लिए, तो चलो यार फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट जरूर से कर देना ताकि आपका फ्री फायर रिलेटेड कोई भी अपडेट इवेंट मिस ना हो पाए। तो गाइस सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों ने अभी तक फ्री फायर मैक्स को अपडेट नहीं किया तो कैसे आप लोगों को अपडेट करना है, ठीक है। तो गाइस देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को प्ले स्टोर के ऊपर जाना है एंड गाइस उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। जैसे ही आप लोग प्ले स्टोर के ऊपर आओगे गाइस, यहां पर आप लोगों को सर्च बार में सर्च करना है फ्री फायर मैक्स, एंड जैसे ही आप लोग सर्च करोगे यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा गरीना फ्री फायर मैक्स, ठीक है। और अगर आप लोगों को यहां पर अपडेट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, प्ले का ऑप्शन मिल रहा है, तो सबसे पहले आप लोग अनइंस्टॉल कर दो अपने फ्री फायर मैक्स को, उसके बाद फिर से इंस्टॉल कर लो। 500 एमबी का, मात्र 500 एमबी का आप लोगों को फ्री फायर मैक्स देखने को मिलेगा, जो कि यार आप लोगों को सिर्फ 506 एमबी में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। वैसे यार अपडेट करने में भी 450 एमबी लगेगा, लेकिन अपडेट का अगर आप लोग ऑप्शन नहीं दिखता है तो सबसे पहले आप लोग अनइंस्टॉल कर लो, उसके बाद फिर से इंस्टॉल कर लो, आपका जो अपडेट है वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग इजीली फ्री फायर मैक्स को ओपन कर पाओगे। जैसे ही आप लोग अपना फ्री फायर मैक्स ओपन करोगे आपका जो अपडेट है वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग यहां पर लॉग इन करने जाओगे, मतलब टैप टू बिगिन पर जैसे क्लिक करोगे, यहां पर ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो गाइस इसका जो सॉल्यूशन है वो कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है वो फ्री फायर की तरफ से ही है। तो गाइस अभी आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, और हमारा जो गेम है जैसे कि फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स है वो आप लोग को शाम में 5 या फिर 5:30 बजे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस देखो अभी क्या टाइम हो रहा है, मैं आप लोग को दिखाई दो, 4:48 हो रहा है। तो गाइस आप लोग को 5 या फिर 5:10 में आप लोग को फाइनली ये जो फ्री फायर मैक्स है वो ओपन हो जाएगा, और गाइस साथ साथ फ्री फायर भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, अगर आप लोग फ्री फायर खेलना चाहते हो तो फ्री फायर भी खेल सकते हो, और आप चाहो तो आप लोग फ्री फायर मैक्स भी खेल सकते हो, ठीक है। वैसे फ्री फायर मैक्स जो है वो 506 एमबी का हो चुका है, तो आप लोग यार फ्री फायर मैक्स को ही खेलो, वो आप लोगों को 2 GB रैम में भी अच्छे से चलने वाला है फ्री फायर मैक्स, ठीक है। तो आप लोग फ्री फायर मैक्स को इंस्टॉल कर लेना, प्ले स्टोर पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली यार मैंने आप लोगों को सारा कुछ बता दिया, आई होप आप लोग आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर।